करो 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 करो। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो इसके अंदर ऑयल आ गया और भाई ये देखो पूरा भर गया। मतलब देखो ना, मतलब इससे पता चल रहा है हमारी गाड़ी के अंदर जो ऑयल है उसकी जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो अपने अंदर की जो पावर है गाइस वैसी वैसी वापस आ रही है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल हमारे साथ में होने वाला है कि जो हमारे अंदर पहले वाली एनर्जी थी फिर से वो आने वाली है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे को इतना मिल रहा है ना। तो कोई बात नहीं गाइस, हमारी शॉप नहीं रही तो आपका टेक्नो तो है आपके साथ में, जो आपको इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहा है आजकल। तो जो अपने स्टोर है तो दिल्ली के अंदर जो था वो कभी बंद है गाइस, उसको जैसे ही खुल जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल जिसको मॉडिफिकेशन करानी है ना, हमारे फरीदाबाद वाले स्टोर पर आओ तो आपको जितनी भी एसेसरीज है बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट के साथ में डिस्काउंट मिलेगा। अपने स्कूटी बाइक या कार वगैरह में किसी में भी आप लगा सकते हो। तो फिर से आज हम अपने R15 के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन क्या है गाइस, ये हमारे पास में ऑयल कैप है। तो जैसे कि फिल्टर कैप होती है, तो फिल्टर कैप आपने देखा गाड़ी के अंदर नॉर्मल होती है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक ये बढ़िया सी जो ऑयल फिल्टर कैप है वो लगाने वाले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके ऊपर है ब्लू कलर का एक ठीक है कवर, तो उसी के साथ में इसके अंदर है गाइस ग्लास। तो ग्लास है आपका इसके अंदर ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो आपका ऑयल होगा ना, तो गाइस आपका ऑयल यहीं से दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपका ऑयल कितना काला हो गया कितना हो गया। और लगने के बाद में देखा एक अल्टीमेट वाला लुक है आपको मिलेगा, और उसकी क्वालिटी देखो एक बार आप इसको खुद ही हाथ में लेके फील करोगे हाँ जी कुछ चीज़ है ये। जो भी चीज़ें होती है ना गाइस, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लेकर आता हूँ। तो चैनल पर जो भी भाई नया आया सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो। तो लगाते फटाफट इसको अपनी बाइक के अंदर। और हाँ, ये जो गाइज आपका ऑयल फिल्टर कवर है, ये आप जितनी भी है यामा की बाइक है ना, फेजर हो, R15 हो, R15 V2 हो, V3 हो, या आपके पास में हो FZ, सब बाइकों के अंदर ये फिटिंग है गाइज लगने वाली, क्योंकि इंजन सबका सेम है। MT तक के अंदर लगेगी, आप ये देख लो एक बारी। तो जिसको भी परचेस करनी है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर आपको कलर भी मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्लू और जितने भी कलर है आप देख लेना जो जो है। तो फटाफट लगाते हैं अपनी बाइक के अंदर, और लगने के बाद मैं लुक आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर आता है। सो गाइस, ऑयल फिल्टर कवर हमारा ये लगेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्टॉक वाला है, तो स्टॉक वाले के अंदर कोई लुक नहीं आनी है। इसको खोलने के लिए तीन ये जो 8 mm के स्क्रू है बस हमने वो खोलने हैं और इजिली ये बाहर आ जाएगा। आप लोगों को ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो जैसे कि आपको देख पा रहे हो तो बाइक का हमारे पोजिशन है उधर, और हमेशा जो गाइस आप फिल्टर का कवर लगाओगे अपनी बाइक को साइड स्टैंड के ऊपर ही लगाना, ना कि आप इसको पैडॉक स्टैंड पर लगाना। अगर पेडॉक स्टैंड पे लगाओगे तो जितना ऑयल होगा आपका नीचे गिर जाएगा, खाली पीली नुकसान हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं आप लोगों का नुकसान होए। तो इसको क्या करना है, इसको खोलने के बाद में इजी तरीके से ऊपर से ये लग जाएगा। सो देखा गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला गाड़ी साइड स्टैंड पे लगा के ही चेंज करना। तो जैसे कि देख पा रहे हो गाइज बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे हमारा जो आफ्टर मार्केट जो फिल्टर कवर है। तो आप लोगों को वाला भी दिखाता हूँ एक बार ही दोनों, ये देखो मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये भी कोई आफ्टर मार्केट है। तो बिल्ड क्वालिटी चेक कर लो आप ज़रा दोनों की, लाजवाब है। और इसको तो आप देख रहे हो, तो इसकी फिनिशिंग गाइस जो CNC मशीन के अंदर ये बना हुआ है फुल, और ये देख पा रहा हूँ। तो लगाते हैं अब इसको एज इट इज़ ऐसे ही लगा लेंगे। इसके अंदर आपको ओरिंग वगैरह अगर लगा हुआ मिल जाएगा तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ, तो जैसे कि ऑयल यहाँ से आएगा और यहाँ से फिल्टर होके फिल्टराइज होके अपने इंजन में जाएगा। तो फिल्टर का काम आप लोगों को पता है कि जितना भी गाड़ी के अंदर जो बेकार का ऑयल होता है उसको साफ़ करना। तो इसके अंदर देख पा रहे एक होल है, तो होल यहाँ से होते हुए ठीक है ऑयल यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलेगा और फिल्टर होके अपने जाएगा इंजन के अंदर। तो इसी के अंदर भी देख लो गाइस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, और ये हमारी बाइक के साथ भी बिल्कुल मैच कर रहा है, ब्लू ब्लू और सिल्वर सिल्वर है कि नहीं बढ़िया एकदम। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यार एकदम लाजवाब वाली लुक है अंदर से देख पा रहे हो, जितना ऑयल फिल्टर वगैरह सब इसके अंदर नज़र आ रहा है। कोई अगर आपको बाइक के अंदर देखेगा तो वो सबसे पहले उसकी नज़र इसी चीज़ के ऊपर जाएगी, वो बोलेगा ये इसके अंदर क्या लगा रहा है भाई, एकदम नई सी चीज़ है। तो देखते हैं गाइस इसके अंदर जो ऑयल है वो ऑयल किस तरीके से नज़र आता है। तो अभी हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में इसके अंदर ऑयल आ जाएगा। करो करो करो। तो भाई जैसे कि देख पा रहे हो इसके अंदर ऑयल आ गया और भाई ये देखो पूरा भर गया। मतलब देखो ना, मतलब इससे पता चल रहा है हमारी गाड़ी के अंदर जो ऑयल है उसकी जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है। ये देखो एक बारी भाई रे फिर दिख रहा है ना कि आप लोगों को कितना ऑयल है सब यहाँ से दिख रहा है। तो कैमरे के अंदर अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, अगर आप इसको बिना कैमरे को देखोगे तो बहुत अच्छी लुकेस्ट मिल रही आ रही है, और ऑयल हमारा एज इट इज़ दिख रहा है। और जैसे कि यहाँ पर जो किक वगैरह पता नहीं क्या होता है,
और इस तरीके से देखो आप, बिल्कुल ऑयल हमारा यहाँ से दिख रहा है। जैसे कि बहुत से भाई लोग लंबी लंबी राइड पे जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता हमारी बाइक के अंदर ऑयल की कंडीशन कैसा है कैसे नहीं, उनको बार बार ही करके अपना गेज से चेक करना पड़ता है ऑयल कैसा है। और आप लोगों को अब कोई ज़रूरत नहीं है बाइक को खड़े करने की, बाइक का ऑयल गेज चेक करने के आप ऊपर से ही चेक कर सकते हैं कि ऑयल की कंडीशन इस वक्त कैसी है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो यार, एकदम लाजवाब वाली लुक है अंदर से देख पा रहे हो, जितना ऑयल फिल्टर वगैरह सब इसके अंदर नज़र आ रहा है। कोई अगर आपको बाइक के अंदर देखेगा तो वो सबसे पहले उसकी नज़र इसी चीज़ के ऊपर जाएगी, वो बोलेगा ये इसके अंदर क्या लगा रखा है भाई, एकदम नई सी चीज़ है। और हमारा स्विचलेस हज़ार्ड है गाइस, अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके अंदर जितना भी काम है आप देख पा रहे हो, और ये देखो गाइस मतलब एक अल्टीमेट वाली लुक है अपनी बाइक को दे रहा है। जिस तरीके से देखो मतलब सबसे पहले नज़र आपकी इसी चीज़ के ऊपर जानी है कि हाँ भाई कोई अलग से चीज़ लगी हुई है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि V3 के अंदर ये पूरा जो आपका सिस्टम है गियर पैडल वगैरह वाला, इसका पूरा चेंज हो जाता है। तो जबकि हमारे पास में V3 आएगी तो V3 के अंदर भी हम आपको करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो V2 है, V2 के अंदर अभी ऐसा कोई पार्ट है नहीं। तो जैसे भी अवेलेबल होगा आप स्टोर पर आके चेक कर सकते हो। और जैसे कि देख पा रहे हो बाइक का लुक अब इस तरीके से आ रहा है एकदम शानदार वाली, और डबल बबल वाइजर देखो आप एक बार। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ये जो छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा एनहेंस लुक देती है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लुक देती है। तो जितने भी आपको पार्ट्स है गाइस, ये अपने पार्ट्स मिल जाएंगे अपने टेक्नो खान स्टोर पे, तो जो कि है अवेलेबल अब की टाइम के अंदर फरीदाबाद में। जैसे दिल्ली वाला ओपन हो जाएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम पर। अगर आपने इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए गाइस, टेक्नो _खान, तो ये मेरा यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम पर वैसे। और आप लोग मेरे से ये भी पूछोगे कि इसके अंदर मैंने कौन सा हज़ार्ड लगा रखा है, तो गाइज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास में एक स्विचलेस हज़ार्ड, तो जैसे कि देख पा रहे हो इसके अंदर गाइज़ आपको कोई स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने KTM के पैटर्न चेंज करते हो उस स्विच से, जो आगे का सिस्टम होता है पैटर्न चेंज करने के लिए, इंडिकेटर चलाने के लिए, उसी से आपका ये जो फ्लैशर है एक्टिवेट हो जाएगा। और इसकी भी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है गाइस मैंने इसी फ्लैशर के ऊपर बनाई है कि आप इसके अंदर गाड़ी के अंदर कैसे लगा सकते हो। और ये जो फ्लैशर है आपका हर गाड़ी के अंदर लग जाएगा। इसी के साथ में गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो गाइस थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि हम 4 लाख सब्सक्राइबर पार कर जाएँ। और अगर आप लोगों का प्यार रहा तो हम बहुत ही जल्दी अपना जो माइलस्टोन है वो हासिल कर लेंगे। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।